हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिटेनिंग वाल आरसीसी रिटेनिंग वाल के बार बाइंडिंग शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हमने इस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसके वॉल्यूम कैलकुलेशन, इसके ड्राइंग डिजाइन के बारे में डिस्कस किया था। ओके फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में इसके बार बाइंडिंग शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सामने आप जो देख रहे हो ड्राइंग, ये जो मेरा डेढ़ मीटर ऊपर देख रहे हो आप, डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वाल हाइट अबव ग्राउंड लेवल 1.5 डेढ़ मीटर हाइट की ये रिटेनिंग वाल है ग्राउंड लेवल के ऊपर। ओके, और इसी के बारे में हमने वॉल्यूम की क्वांटिटी इसकी कैलकुलेट करने के बारे में डिस्कस किया था। आप ये देख सकते हो, ये इसका ये क्वांटिटी कैलकुलेशन है जिसमें अर्थवर्क कैलकुलेशन, PCC, RCC कैसे कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करती है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में इसके VVS के बारे में सिर्फ देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, ड्राइंग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये ग्राउंड लेवल, यहाँ से देख रहे हो हाइट 1.50 है। नीचे का आप देख रहे हो, यहाँ बीच का जो स्टेम है इसका, ये 300 है, और इधर ये 1.9 है और ये 1.0 है। यहाँ देखो, हमने किया था टो स्लैब 1 मीटर है। ये देखो टो स्लैब, इसको टो स्लैब बोलेंगे और इसको हिल स्लैब बोलेंगे। तो टो स्लैब 1 मीटर है और हिल स्लैब 1.9, और जो इसका सेंट्रल पार्ट है वो 300 है। ओके, ऊप ठीक है। और ये जो इसकी राफ्ट है, यहाँ 300 की, फिर स्लोप में ऊपर जाएगी 630 है, और यहाँ से फिर 570 है। इस सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाकर प्रीवियसली मेरे वीडियो को देख सकते हो। आज इसके VVS के बारे में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आप जो सामने देख रहे हो, सामने ये इसका VVS है, पहला रॉड है। ओके, 16 mm का रॉड है, ये आप देखो 16 mm का रॉड है, 225 इसकी L है, और ये पोर्शन है ये 1225 है। 16 डायग स्पेसिंग कितनी है, 3 है, पर मीटर में 4 लगना है। कटिंग लेंथ इसकी दी हुई है, टोटल लेंथ दी हुई है, वेट दी हुई है, टोटल वेट दी। ओके, तो ये अब ये रॉड कहाँ प्लेस होगा इसको देखते हैं, इसको अभी देखते हैं। ओके, अच्छा, तो ये जो मेरा ए नंबर बार है, ये कहाँ प्लेस होगा, तो ये आप देखो ड्राइंग देखोगे, आप ये जो आप ड्राइंग देखो, ये ए नंबर बार है, ये यहाँ पे ये प्लेस होगा, ये प्लेस होगा इस साइड में, टो साइड में, हिल साइड में ये प्लेस होगा, हिल साइड में ये प्लेस होगा, और यहाँ लगेगा, यहाँ जैसे देख रहे हो आप, यहाँ से ये बार ऐसे जाएगा और ये इसके सेंटर पार्ट में जा करके क्रॉस करेगा। ओके, मतलब अगर आप इसे ऐसे देखो, अगर सपोज मेरा ड्राइंग कैसे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा जो ड्राइंग है ये ऐसे है ना, मैंने ड्राइंग ड्रॉ किया है कि सपोज करो ये मेरा जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है सपोज यहाँ से ऐसे है। ओके, फिर ये है और ये शाफ्ट है, हल्का ऐसे स्लोप है, सॉरी, और ये ऐसे, ये सेंटर पार्ट है। तो जो ए बार है मेरा, ए बार ये 16 का, ये यहाँ से आपको ये प्लेस होगा और ये यहाँ तक आएगा, ए नंबर का बार, ये ए हुआ 16 mm का। ओके, नेक्स्ट बार देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फिर है सिमिलरली है जो बी बार है वो 16 mm डायग का है, 304 कटिंग लेते हैं, ये थ्रू आउट जाएगा, ये जो यहाँ से यानी कि इसी में यहाँ से लेकर के ये थ्रू आउट यहाँ तक जाएगा। अब आप बोलोगे इन दोनों की स्पेसिंग अलग अलग होगी, ये देखो। ओके, ये इसके सेंटर में आ जाएगा, 300 पे एक साइड ये लगेगा, इनके स्पेसिंग बीच में आ जाएगा। ओके, सी जो बार है मेरा, ये वाला जो बार है यहाँ से टॉप से जाएगा, यानी कि ये बार ऐसे जाएगा, सी जो बार है यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, ये आप देखो ऐसे फिर ऐसे यहीं तक दिया है, यानी कि सेंटर पार्ट तक ही, ये सेंटर पार्ट को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि यहाँ सिर्फ ऐसे जगह यहीं तक रहेगा, ये एक्स्ट्रा नहीं होगा। ओके, सिमिलरली ये इसका बाइंडर हो गया, ये बाइंडर हो गया, फिर इसके पास ई जो बार है वो इस तरफ से जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये एल होगा, फिर ये ऐसे जाएगा, यहाँ से स्लोप जाएगा, सिर्फ ये ऐसे रहेगा। ओके, इसमें कोई क्रॉस नहीं करना है, सेंटर तक नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं तक है ये। ओके, फिर ये उसका बाइंडर हो गया।
तो ये जो चार बार हैं, स्पेशली चार बार, एक दो तीन चार, ये चारों का आपने, चारों की आपने प्लेसिंग समझ ली, चारों की आपने प्लेसिंग को देख लिया, उसके बाद से इसके ऊपर ये बाइंडर है, ओके। ये जो बार है सिर्फ ये वन साइडेड ही है, वन साइडेड, ओके। उसके बाद से इसके वर्टिकल्स को देखिए, ये देखो इसका वर्टिकल है, तीन वर्टिकल है, तीन, दो वर्टिकल तो जान रहे हैं, ये जो जी है, जी वर्टिकल समझ लो, एक वर्टिकल इधर से आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा वर्टिकल, ये ठीक, दूसरा वर्टिकल यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, दूसरा वर्टिकल इस तरफ से आएगा, दूसरा वर्टिकल इस तरफ से आएगा और ऐसे जाएगा, दो वर्टिकल, तीसरा एक वर्टिकल है, ये तीसरा देखो, ये तीसरा जो वर्टिकल है ये स्लोप में थोड़ा, ये जो पोर्शन है मेरा स्लोप पोर्शन है, ये पोर्शन जो मेरा स्लोप पोर्शन है, तो जो तीसरा वर्टिकल है वो इसी साइड में रहेगा और यहाँ से हल्का स्लोप होते हुए, फिर स्लोप होते हुए, फिर यहाँ से आगे स्लोप होते हुए, फिर ये एल ऐसे जाएगा। तीनों वर्टिकल की पोजिशन समझ गए, दो वर्टिकल एक साइड, दो वर्टिकल एक साइड, जिधर जिधर वो मिट्टी की पोजिशन है ना, जिधर अर्थवर्क अर्थलोड आएगा उस तरफ दो वर्टिकल रहेंगे और आउटर पोर्शन में एक वर्टिकल रहेगा, ओके। क्लियर हो गया, ये उसके ऊपर से बाइंडर। सो फ्रेंड्स, ये RCC रिटर्न वाल की BBS रहे और इसके बारे में एक एक चीज़ को के बारे में हमने डिस्कस किया और एक एक चीज़ को देखा, ओके। ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कोई वास्ट इसकी BBS नहीं है, नॉर्मल सी BBS है, इसको आप अभी देख रहे हो, नॉर्मल सी BBS, इसको अभी आप देख रहे हो, हमने एक एक टॉपिक को देख लिया, इसके ड्राइंग को भी देख ली, इसके ड्राइंग को भी देख ली और इसकी जो क्वांटिटी कैलकुलेशन ड्राइंग डिटेल्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, आप जाकर वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।